हज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद फैसल लतीफ़ यूट्यूब चैनल आपकी खिदमत में हाज़र है एक ज़बरदस्त नई मुनफरद रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है मिक्स सब्ज़ी। आप इसको चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ, हमने इसके साथ चावल बनाए हैं। आए आप चीज़ें नोट करें, ये रेसिपी हमने किन चीज़ों के साथ बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप कोई सी भी मिक्स सब्ज़ियाँ ले लें, जो भी घर में चीज़ पड़ी हो। मैंने कुछ आलू लिए, ये मीठा कद्दू है, ये कुछ मटर के पीस हैं, और ये जो चीनी है और कैरेट है, ये कुछ कटे हुए प्याज हैं, कटे हुए टमाटर हैं, कुछ हरी मिर्च है, ये लहसुन पेस्ट है, गार्लिक पेस्ट है। चले जी आपको दिखाते हैं ये चीज़ें किस तरह बनाई हैं। एक बर्तन लेंगे, उसमें 1/3 ऑयल ऐड करके इसको गर्म करेंगे। इसमें मीडियम साइज़ का एक प्याज जो के चॉप किया हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे। इसको लाइट ब्राउन करेंगे। अब लहसुन इसमें डालेंगे, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे आधे मिनट के लिए। ये मेरे पास नमक है 1 टीस्पून, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। कुछ कटे हुए टमाटर हैं वो भी इसमें ऐड करके 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। अब ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, वो इसमें ऐड करेंगे। कोरिएंडर पाउडर है 1 टीस्पून, वो भी इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। ये टमाटर प्याज और ये लहसुन जो है वो इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। लहसुन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डाल देंगे। ये कड़ी पाउडर है, मिक्स मसाला मेरे पास 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे और फिर पानी थोड़ा सा डाल के इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि मसाला हमारा इसमें ये प्याज और टमाटर जो लहसुन का पेस्ट है अच्छा मिक्स हो जाएगा। मटर के दाने, कैरेट और ज़ुचीनी इसमें ऐड करके 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से इसका मसाला इसमें मिक्स हो जाए। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब 1 टेबलस्पून इसमें अदरक है वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ और 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। कसूरी मेथी है 1 टीस्पून, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, वो इसमें ऐड करके इसको फ्राई करेंगे। ज़बरदस्त माशाल्लाह जी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे आधे मिनट के लिए। ये टमाटो पेस्ट है 2-3 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे, इससे इसका कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ी देर इसको फ्राई करते रहेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे मीठा कद्दू या हलवा कद्दू इसको कह लें, 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, इसका मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। 300 ग्राम मेरे पास आलू हैं जो कि क्यूब शक्ल के मैंने काटे हुए हैं, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। 2 मिनट के लिए इनको भी फ्राई करेंगे ताकि इसमें भी अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए। ये एक चिकन स्टॉक है मेरे पास, वो 1 क्यूब इसमें ऐड करके हल्का सा पानी डालेंगे ताकि ये इसमें मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। अब 1/2 कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिए और 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करके 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, चेक करें, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी रेडी है, अब इसको डिश आउट करके दिखाते हैं।
माशाल्लाह मिक्स सब्ज़ी की रेसिपी रेडी है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।